Hey everyone, welcome to Patapat English with Abhishek sir. How are you doing today? I hope you are doing well in English and you are doing well in life as well. दोस्तों, English में आज हम जो करने वाले हैं वो न केवल आपके कॉन्फिडेंस को बहुत ज्यादा बढ़ा देगा बल्कि इंग्लिश बोलना आपके लिए बेहद आसान भी कर देगा. 20% ऑफ योर इंग्लिश सेंटेंसेस विल बी ऑटोमेटिकली करेक्ट एंड यू विल स्पीक इंग्लिश लाइक 1, 2, 3. दोस्तों, इंग्लिश में वो वर्ड जो आज हम सीखने वाले हैं आप पहले से जानते हैं, उसका अर्थ भी जानते हैं और आपने कई बार उसे यूज भी किया होगा. बचपन से आपने अपने स्कूलों में भी उसे पढ़ा है और आज हम उसे एक दूसरे तरीके से सीखने वाले हैं. एंड ऑफ कोर्स इट विल बी एन आई ओपनर फॉर यू. आपके लिए वो बिल्कुल एक आई ओपनर जैसा होगा. चलिए शुरुआत करते हैं इस बेहतरीन सफर की. दोस्तों, कई बार आप जब घर में बैठे होते हैं तो आपने कई बार ऐसा देखा होगा कि घर पे आप छत पर बैठे हैं और छत पर बैठे एकदम से आपने देखा कि बंदर आया और आपके मुंह से निकल जाता है, मम्मी बंदर. अब आप सड़क पे जा रहे हैं, पापा कुत्ता. राइट. अब इनफेक्ट आप क्या कहना चाहते हैं? आप कोई खराब बात तो कर नहीं रहे हैं. आप बताना चाहते हैं प्रेजेंस कुत्ते की, डॉग की प्रेजेंस आप दिखाना चाहते हैं या फिर आप मम्मी को बंदर की प्रेजेंस दिखाना चाहते हैं. दोस्तों, जब कभी इंग्लिश में हम प्रेजेंस या एब्सेंस की बात करते हैं, यानी किसी चीज का होना या उसका ना होना, तो इंग्लिश में एक वर्ड है देयर. आप पहले से जानते हैं THEIR. देयर का मतलब वहां. बचपन से आपने पढ़ा है. और ऐसे ही एक और वर्ड होता है हियर, जैसे कई बार लोग आप बोल देते हैं हेयर. हेयर अलग हो गया और हियर अलग हो गया. यदि आपको किसी से कहना है कि भाई इधर आओ तो आप कहेंगे कम हियर, और यदि आप कहेंगे उधर जाओ तो आप कहेंगे गो देयर. राइट. यहां बैठ जाओ, सिट हियर. आप मना करेंगे डोंट सिट हियर. अरे वहां मत जाओ, डोंट गो देयर. ये इंग्लिश में आपको पहले से बोलना आता है. लेकिन आज हम जिस देयर की बात कर रहे हैं वो आपने बचपन से अपने स्टोरीज में पढ़ा है. जो आप ग्रामर पढ़ते थे, जो इंग्लिश आप पढ़ते थे, वहां आपको कई बार ट्रांसलेशन करने के लिए मिला होगा. और अब सोचिए, आपने बचपन से एक सेंटेंस सुना होगा, देयर वॉज ए लायन इन ए फॉरेस्ट. देयर वॉज ए लायन इन ए फॉरेस्ट. अब आप सोचिए इसका हिंदी अर्थ क्या निकलता था. एक जंगल में एक शेर था. देयर वॉज एन ओल्ड लेडी इन ए विलेज. एक गांव में एक बूढ़ी महिला थी. राइट. अब आप सोचिए कि इसमें वहां कहां गया. इनफेक्ट इसमें वहां आया ही नहीं. तो देयर से क्या बताया जा रहा है? ऑफ कोर्स किसी चीज का होना. देयर वॉज अ लायन इन ए फॉरेस्ट. देयर वॉज एन ओल्ड लेडी इन ए विलेज. इनफेक्ट जब कभी भी हम देयर का यूज करेंगे तो ज्यादातर समय आप जब इंग्लिश बोलते हैं आप बहुत सारी चीजों का होना या ना होना बताते हैं. और जब कभी भी किसी भी चीज का होना या ना होना, यानी किसी चीज की प्रेजेंस या फिर किसी चीज की एब्सेंस आपको इंग्लिश में बतानी है तो आप यूज करेंगे देयर. अब ज्यादातर समय देयर इज या फिर देयर आर. देख लेते हैं, जैसे आप जिस किसी भी रूम में बैठे हैं वहां क्या क्या है. वहां शायद हो सकता है ट्यूबलाइट है. अब ट्यूबलाइट यदि एक है तो आप कहेंगे देयर इज ए ट्यूबलाइट. अब आप यदि देख रहे हैं कि वहां दो पंखे लगे हुए हैं तो आपको दो के लिए आर लगाना पड़ेगा. यदि एक चीज है तो देयर इज, और यदि एक से ज्यादा है तो आप कहेंगे आर, देयर आर. अब यदि वहां एक बल्ब है, देयर इज ए बल्ब. एंड देयर इज ए टेलीविजन, देयर इज ए सोफा, देयर आर सम चेयर्स एंड देयर इज ए बेड. Well, there are some windows and there are two doors and there are some curtains. There is some furniture. There is and there are. जो भी कुछ आप रूम में देख रहे हैं, अब सोचिए उस रूम में एक वेंटिलेटर भी है. There is a ventilator in the room. And उसमें एक एयर कंडीशनर भी लगा हुआ है. There is an air conditioner. या फिर आप कहेंगे there is an AC. अब यदि उसमें एक झूमर लगा हुआ है, झूमर को इंग्लिश में कहते हैं शैंडेलियर. यदि उसमें एक झूमर भी है, देयर इज ए
chandelier, right? यदि उसमें कोई टेप रिकॉर्डर है, there is a tape recorder, there is a radio. अब इनफैक्ट आप सीख चुके हैं कि यदि आप जिस भी रूम में बैठे हैं, जहां पर भी हैं, उसके बारे में आपको बताना है तो आप कैसे बताएंगे? आप कहेंगे there is, there are. और यदि चीजें एक से ज्यादा हैं, तो आपको there are लगाने के बाद में आपको कैसे बोलना है? There are two fans, there are three tube lights. अब ऐसा नहीं बोलिएगा there are three tube light, ये गलत हो जाएगा. थ्री लगा रहे हैं तो आपको ट्यूबलाइट्स कहना पड़ेगा. देर आर थ्री ट्यूबलाइट्स, देर आर टू फैंस एंड देर इज एन एलईडी टेलीविजन. एंड एलईडी टेलीविजन कैसे हो गया, ये जब हम ग्रामर की बात करेंगे तब आपको सिखा देंगे. एल, एल में जो आवाज आ रही है वो वाउल साउंड है, इसलिए आपको एन लगाना पड़ेगा. देर इज एन एलईडी टीवी. अब यदि आपको पूछना है सर आप जिस रूम में बैठे हैं उस रूम में क्या है, तो आप मुझसे पूछेंगे What's there in your room, sir? Well, let me have a look around. Well, there are some tube lights and there are three fans. There is an air conditioner and there is a light. There is a selfie light and there is a notebook. There are some markers, some pens, and there are many students. There are many benches. Well, there are two rooms in the door and there is a table. अब आप देखिए आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और आपका फ्लो भी बढ़ेगा, आपकी फ्लुएंसी भी बढ़ेगी. और ये तो अभी एक तरीका हुआ कि किसी चीज को बताने का. यदि आप अपने घर के बारे में बताना चाहते हैं पूरे, तो भी आप देयर इज या देयर आर ही कहेंगे. कोई आपसे पूछने लगे व्हाट्स देयर इन योर हाउस, टेल मी समथिंग अबाउट योर हाउस, तो आप बताएंगे वेल देयर इज अ बेडरूम एंड देयर आर सम अदर रूम्स, देयर इज अ गेस्ट रूम, there is a drawing room and there is a dining room, there is store room and there is a kitchen. Well, there is a lobby and there is a set of stairs. Ya to aap set of stairs kahenge ya fir jeene ko english mein kehte hain staircase. There is a bathroom, there is a toilet and there is a front yard. There is a front yard jo ghar ke shuru mein, घर जब स्टार्ट होता है, मकान जब स्टार्ट होता है, उसमें आमतौर पर लोग खाली जगह छोड़ देते हैं, उसे हम बोलते हैं फ्रंट यार्ड. और यदि आपने मकान के पिछले हिस्से में भी जगह छोड़ी है तो आप उसे कहेंगे बैकयार्ड. वेल, अब मुझे नहीं मालूम कि आपके घर में और क्या है, राइट? कई बार लोग पूछ लेते हैं भाई तुम्हारे घर में कोई गार्डन है. अब जैसे हम देयर इज कहते थे, इस को हम सेंटेंस के शुरू में ले आएंगे और कहेंगे इज देयर एनी गार्डन, इज देयर एनी गैरेज इन योर हाउस. कई बार होता है घर में जो गाड़ी खड़ी करने की जगह होती है, मकान खुलता है या गेट खुलता है और खुलते ही लोगों ने कवर करके जीने के नीचे काफी जगह छोड़ी होती है जहां वो अपनी कार पार्क कर सके, उस एरिया को हम बोलते हैं पोर्च. सो इज देयर एनी पोर्च इन योर हाउस, इज देयर एनी गार्डन in your house, is there any balcony in your house, is there any park in your house, is there any swimming pool in your house. तो जब कभी भी हमें बताना होगा तो हम कहेंगे there is, there are. और यदि हमें पूछना पड़ जाए तो हम यूज करेंगे is there any, right? अब मैं यदि पूछूं कि भाई आपके घर में कोई ड्रॉइंग रूम है, is there any ड्रॉइंग रूम इन योर हाउस, या फिर जिस रूम में आप बैठे हैं उसमें कोई एसी लगा हुआ है, इज देयर एनी एसी इन द रूम, राइट? यदि मुझे आपके शहर के बारे में पूछना है तो भी मैं आपसे पूछूंगा भाई आपके शहर में कोई शॉपिंग मॉल है, इज देयर एनी शॉपिंग मॉल इन योर सिटी, राइट? आपके यदि शहर में नहीं है, देयर इज नो शॉपिंग मॉल इन माई सिटी, बट देयर आर सम कॉम्प्लेक्सेस, there are some big markets in the city. Well, अब आपके शहर में कोई रेलवे स्टेशन है, is there any railway station in your city? Is there any amusement park? जैसे आजकल बड़े बड़े पार्क्स बने होते हैं, amusement park, right? जहां पर लोग बहुत सारी water rides करते हैं और वहां पर garden भी, there are multiple sports, वहां पर कई सारे खेलने की, जैसे you know fast cars और you know swings, वहां पर slides होती हैं, trains होती हैं. Children can of course have fun
उसे हम इंग्लिश में कहते हैं एम्यूजमेंट पार्क. इज देयर एनी एम्यूजमेंट पार्क इन योर सिटी? इज देयर एनी सिनेमा हॉल इन योर सिटी? इज देयर एनी मल्टीप्लेक्स इन योर सिटी? सपोज करिए आप किसी नए शहर में गए और आपको वहां स्टे करना है, आपको नाइट स्टे करना है या दिन में स्टे करना है, शाम को आपका कोई प्रोग्राम है या अगले दिन आपका कोई प्रोग्राम है, तो आप आसपास के लोगों से पूछते हैं, यार आसपास में यहाँ कहीं कोई होटल है? इज देयर एनी होटल नियर बाय? इज देयर एनी होटल नियर बाय? या फिर आपका टाइम पास नहीं हो रहा है, इज देयर एनी शॉपिंग मॉल नियर बाय? राइट. अब यदि आपको शहर के बारे में बताना, अपने शहर के बारे में, यदि मैं आपसे पूछने लगूं, टेल मी अबाउट योर सिटी, तो आप शुरू कैसे करेंगे? वेल, इट्स अ ब्यूटीफुल सिटी एंड देयर आर मैनी बिग मार्केट्स, देयर आर मैनी रेस्टोरेंट्स एंड देयर इज अ शॉपिंग मॉल, देयर आर मैनी नर्सिंग होम्स, देयर आर मैनी डिग्री कॉलेजेस, देयर आर मैनी कंप्यूटर इंस्टीट्यूशंस, देयर आर मैनी इंग्लिश लैंग्वेज इंस्टीट्यूशंस एंड ऑफकोर्स देयर आर मैनी टेम्पल्स एंड देयर आर मैनी बिग कॉलोनीज, बहुत सारी कॉलोनीज भी हैं. अब मेरा मन हुआ कि मैं आपसे पूछूं कि भाई वहां पर कोई जिम है? इज देयर एनी जिम इन योर सिटी? या फिर मैं पूछ रहा हूं कि आपके घर के आसपास कोई जिम है? इज देयर एनी जिम अराउंड योर हाउस, नियर बाय योर हाउस? राइट. आई होप यू अंडरस्टैंड, आपको समझ में आ गया होगा. अब यदि सोचिए, यदि आप दिल्ली में हैं और दिल्ली में आपका बस स्टैंड पर है आप और आपका कोई टाइम पास नहीं हो रहा है, यू वांट पास सम टाइम, तो आप पूछेंगे किसी व्यक्ति को आसपास में रोक कर, एक्सक्यूज मी सर, इज देयर एनी शॉपिंग मॉल नियर बाय? या फिर आपकी कार फंसी है, आपको कहीं कार की पार्किंग की जगह नहीं मिल रही है, तो आप पूछेंगे आसपास में कहीं कोई पार्किंग है? इज देयर एनी पार्किंग नियर बाय? इज देयर एनी मल्टीप्लेक्स नियर बाय? या फिर इज देयर एनी फूड कॉर्नर नियर बाय? आसपास में कहीं पर कुछ खाने का सामान मिलता हो? राइट. तो इनफैक्ट इज देयर और देयर आर, देयर इज देयर आर. अब यदि आप अपने शहर के बारे में बताना चाहते हैं तो भी आप रेडी हैं, वेल देयर आर देयर इज. हाँ, सवाल पूछना हो तो इज देयर. सोचिए आप एक बैग लेकर आए और मैं ही पूछने लगूं, बैग में क्या है भाई? तो मैं पूछूंगा, व्हाट्स देयर इन द बैग? अब आप बैग में से बॉटल निकालेंगे, सर देयर इज अ बॉटल, देयर आर सम पेंस, देयर आर सम नोटबुक्स. राइट. आपकी जेब में वॉलेट है, मैं आपसे पूछने लगूं, व्हाट्स देयर इन योर वॉलेट? बताएंगे, सर देयर आर सम इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, सम पेपर्स, सम एटीएम कार्ड्स और यू नो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और वेल माय आधार कार्ड. मैं पूछूंगा, यार कुछ पैसे वैसे हैं इसमें? इज देयर एनी मनी इन योर वॉलेट? यस, देयर इज सम मनी. या फिर देयर इज नो मनी, देयर आर ओनली कार्ड्स. पीपल आर यूजिंग यू नो कार्ड्स दीस डेज, पीपल आर यूजिंग डिजिटल मनी. वेल, आगे बढ़ते हैं. इज देयर देयर आर. आप मुझे कह रहे हैं, सर शाम को घर पे आ जाइए, तो मैं पूछूंगा भाई, व्हाट्स देयर इन योर हाउस? आप बताएंगे, सर देयर इज अ पार्टी, देयर इज अ बर्थडे पार्टी. और या फिर आप मुझे बुला रहे हैं तो मैं खुद ही पूछूंगा, इज देयर एनी सेलिब्रेशन? इज देयर एनी बर्थडे पार्टी? इज देयर एनी एनिवर्सरी पार्टी? व्हाट्स देयर इन योर हाउस? सो आप कहेंगे, देयर इज नथिंग स्पेशल. सोचिए आपके एक अंकल हैं, आपके घर पर आते हैं और वो हर बार एक बैग लेकर आते हैं, थैला लेकर आते हैं. आपने देखा, यार ये थैला लेकर आते हैं हर बार, लेकिन कभी भी मैंने देखा नहीं कि इसमें कुछ है कि नहीं है. तो आप पूछेंगे, अंकल इज देयर समथिंग इन द बैग? इन द बैग इज देयर समथिंग इन द बैग? इज देयर समथिंग इन द बैग? अब वो बताएं, कुछ भी नहीं है, देयर इज नथिंग इन द बैग. लेकिन जब आपने बैग को खोला तो आपने देखा कि उसमें कुछ रखा हुआ है, तो आपने अंकल से कहा, अंकल आप तो कह रहे थे देयर इज नथिंग, जबकि इसमें तो कुछ है. बोले, हाँ इसमें कुछ भी नहीं है यार, यही तो है. तो आपको कहना चाहिए था, देयर इज नथिंग स्पेशल, देयर इज नथिंग. अब कुछ तो है ना बैग में, सोच के उसमें एक नोटबुक है, तो हम ये नहीं कह सकते देयर इज नथिंग. हाँ, आप कहेंगे, देयर इज नथिंग स्पेशल इन द बैग. आई होप इट इज क्लियर.
अभी आपको ये समझ में आ गया है कि हम कैसे बात करेंगे। सपोज कीजिए आप मार्केट जा रहे हैं और आपके स्कूटर में पेट्रोल खत्म हो गया। पेट्रोल दोस्तों, इसे पेट्रोल बोलिएगा, इसे पेट्रोल नहीं बोलिएगा, राइट? पेट्रोल गश्त लगाने को कहते हैं, जैसे हाईवे पेट्रोल या पेट्रोल पुलिस, पुलिस आर पेट्रोलिंग। ग्रामर के हिसाब से हम पुलिस इज नहीं कहते, पुलिस आर कहते हैं। पुलिस आर पेट्रोलिंग आउटसाइड या देयर इज हाईवे पेट्रोल पुलिस, राइट? आप जैसे चाहें, लेकिन जो हम फ्यूल डलवाते हैं उसे बोलते हैं पेट्रोल। अब आपकी स्कूटी में पेट्रोल खत्म हो गया तो आप किसी को रास्ते में रोकेंगे। यू आर न्यू टू द टाउन, आप शहर में नए हैं तो आप पूछेंगे, इज देर एनी पेट्रोल पंप नियर बाय? इज देर एनी, भाई अमेरिका में होते तो आप पूछते, इज देर एनी गैस स्टेशन नियर बाय? वेल, होते ही हैं। अब यदि वो व्यक्ति जवाब आपको दे रहा है कि नहीं, आसपास में तो कोई नहीं है, देर इज नो पेट्रोल पंप नियर बाय, बट देर इज ए पेट्रोल पंप अराउंड द रेलवे स्टेशन, अराउंड द बस स्टॉप, देर इज ए पेट्रोल पंप अराउंड मतलब उसके आसपास में है, या फिर आपको पूछना हो आसपास में, इज देर एनी पेट्रोल पंप अराउंड हियर? तो वो आपसे कुछ भी कह सकता है, आपको दोनों तरीके से, यदि कोई है, देर इज ए पेट्रोल पंप देयर। अब आप देखिए, दो दो देयर आ गए, एक वहां का मतलब निकालने के लिए है और एक होना या ना होना। तो दोस्तों, किसी भी चीज का होना या ना होना हम इंग्लिश में देयर से बताएंगे। अब मैं यदि आपसे पूछने लगूं, व्हाट्स देयर इन योर कॉलेज, व्हाट्स देयर इन योर ऑफिस, व्हाट्स देयर इन योर कंपनी, व्हाट्स देयर इन योर लैपटॉप, कुछ भी, कैसे भी, कहीं भी, किसी भी चीज, कहां, क्या है वहां पर, व्हाट्स देयर, व्हाट्स देयर इन योर स्कूल, व्हाट्स देयर इन योर कॉलेज। अब यदि आप अपने स्कूल कॉलेज के बारे में मुझे बताने लगे, वेल देयर इज ए प्लेग्राउंड एंड वेल देयर आर सम क्लासेस, देयर इज अ स्टाफ रूम, देयर इज प्रिंसिपल्स रूम, एंड वेल देयर इज ए बिग गार्डन, एंड देयर इज ए मैस, देयर इज ए कैंटीन, और बला 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 बला। लेकिन मैं यदि आपसे पूछने लगूं कि वहां कोई लाइब्रेरी है क्या, दैट्स राइट, आपने सही जवाब दिया, इज देयर एनी लाइब्रेरी इन योर कॉलेज। अब मुझे पूछना हो कि भाई आपके कॉलेज में कोई ऑडिटोरियम है क्या, दैट्स राइट, इज देयर एनी ऑडिटोरियम इन योर कॉलेज। वेल, दिस इज वेरी मच क्लियर। और एंड जब आप करेंगे, दैट्स ऑल इन माई कॉलेज, दैट्स ऑल इन माई हाउस, दैट्स ऑल इन माई बैक, तो देयर इज, देयर आर। अब दोस्तों, इसे हम जनरल इंग्लिश में ले आते हैं, ये तो किसी भी चीज का होना या ना होना। आप बचपन से जानते थे कि देयर का सिर्फ एक ही मतलब होता है, वहां। लेकिन दोस्तों, जब आप रियल इंग्लिश की बात करेंगे तो आपको हर सेंटेंस के बाद देयर सुनने को मिलेगा। जब भी आप किसी भी पूछेंगे कुछ भी, तो आपको देयर सुनने को मिलेगा, और आज के बाद ये आपकी लैंग्वेज का पार्ट भी बन जाएगा। वेल, अब सोचिए, मैं आपसे पूछने लगूं, यू सॉ द मूवी ऑन टेलीविजन लास्ट नाइट, कल रात को वो एक फिल्म आई थी, अच्छी फिल्म थी, डिड यू सी दैट मूवी? आपने कहा, नो सर, आई डिडंट सी दैट मूवी। व्हाई डिडंट यू सी दैट मूवी? ओह सर, आई डिडंट सी दैट मूवी बिकॉज देयर वाज माय टेस्ट नेक्स्ट डे, या देयर वाज माय एग्जाम, देयर वाज अ पार्टी इन माय हाउस। अब आप कहने लगे, सर, आई डिडंट सी द मूवी। अब आप रीजन बताना चाहते हैं और आप अटक गए, आई डिडंट सी अ मूवी बिकॉज। अब आप खाली एक वर्ड बोल दें, सर, पार्टी, सर, एग्जाम, ये बात मुझे बिल्कुल समझ नहीं आएगी। आप कहेंगे, देयर वॉज, जी हाँ, यदि आपको पास्ट में लेकर जाना है, भाई कल एग्जाम था, देयर वॉज एन एग्जाम, देयर वॉज अ पार्टी, देयर वॉज एन इंटरव्यू, देयर वॉज एन अर्जेंट पीस ऑफ वर्क। मैंने आपसे पूछा, मैंने कहा, भाई आपने अपनी वर्कशीट्स को डाउनलोड किया, उन्हें देखा? नो सर, आई वॉज बिजी, आई डिडंट सी बिकॉज देयर वॉज एन इंटरव्यू, और देयर वॉज अ पीस ऑफ वर्क, और देयर वॉज अ वर्क, देयर वॉज एन इम्पॉर्टेंट पीस ऑफ वर्क, आई वॉज बिजी, मतलब इनफैक्ट आपको देयर लगाना ही पड़ेगा। मैंने आपसे पूछा, यार, लास्ट वीक आपने प्रैक्टिस किया, डिड यू प्रैक्टिस लास्ट वीक? नो सर, देयर वॉज अ लॉट ऑफ वर्क, एक्चुअली आई डिड नॉट प्रैक्टिस, आई डिड नॉट प्रैक्टिस बिकॉज देयर वॉज अ लॉट ऑफ वर्क, या फिर आप कहेंगे, देयर वॉज अ लॉट ऑफ वर्क सो आई डिड प्रैक्टिस। इनफैक्ट हर रोज जब कभी आप इंग्लिश बोलेंगे तो आपको, अब सोचिए मैं आपसे पूछने लगूं कि भाई आपने ये काम क्यों नहीं किया, तो आप जो भी मुझे कारण बताएंगे उसमें कोई ना कोई रीजन बताएंगे, और रीजन बताते समय
आपको अक्सर देयर का यूज करना पड़ेगा। सोचिए आपके पापा घर लेट आए तो आप उनसे पूछेंगे, पापा व्हाई सो लेट? एक्चुअली आई एम लेट बिकॉज, अब वो कहना चाहते हैं ट्रैफिक था रास्ते में, देयर वॉज, तो कहेंगे देयर वॉज हैवी ट्रैफिक या देयर वॉज ए जैम, आई गॉट स्टक, बस वहीं फंस गया। जब कभी भी आप कहना चाहते हो किसी कि मैं यार फंस गया था वहां पर, तो आप कहेंगे आई गॉट स्टक, आई गॉट स्टक। अब यदि आप ट्रैफिक में फंस गए, आई गॉट स्टक इन ट्रैफिक, आई गॉट स्टक इन ट्रैफिक जैम, बिल्कुल चल नहीं रहा था। भाई ट्रैफिक तो हमेशा होता ही है, लेकिन अब या तो आप ट्रैफिक में लेट हो गए या फिर आप जैम में लेट हो गए, आई गॉट स्टक इन ट्रैफिक जैम, या फिर देयर वॉज ए रेलवे क्रॉसिंग, देयर इज ए रेलवे क्रॉसिंग एंड यू गॉट स्टक एट द रेलवे क्रॉसिंग, एट द लेवल क्रॉसिंग, या फिर आपकी बस खराब हो गई, आई गॉट स्टक इन द बस, आई गॉट स्टक इन द ट्रेन, आई गॉट स्टक एट माई होम। कहीं पर भी आज के बाद जब कभी भी आपको बोलना है इंग्लिश में कि यार मैं वहां फंस गया था, आई गॉट स्टक, कोई आपका दोस्त पूछने लगे यार क्या हुआ आज इतनी देर से फोन क्यों नहीं उठा रहे हो, यार आई गॉट स्टक विद अभिषेक सर, द क्लासेज आर सो इंटरेस्टिंग दैट आई डोंट फील लाइक मिसिंग इट, आई डोंट फील लाइक यू नो ड्रॉपिंग द लेक्चर, आई डोंट फील लाइक मिसिंग द लेक्चर, आई लव टू मीट अभिषेक सर एवरी डे। वेल गाइज, आई होप दिस इज वेरी मच क्लियर, दिस इज वेरी मच अंडरस्टैंडेबल, होप यू एंजॉय टुडेज लेसन। फॉर मोर प्रैक्टिस डाउनलोड द शीट्स और आस्क योर टीचर्स टू हेल्प यू एंड प्रैक्टिस द सेट्स मल्टीपल टाइम्स फॉर बेटर रिजल्ट्स। सो दिस इज अभिषेक सर साइनिंग आउट, टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ, नाइस मीटिंग यू ऑल।